आइए जरा देखें कि इस तरह के सवाल जो हैं, ये रेलवे के सवाल हैं, इस तरह के सवाल को हम कैसे हम इस पे करें, क्या करते हैं, स्टेप्स ऑमिट मेथड में करें। क्या बोलता है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो, तो भैया एक्स लेने की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। बोलता है 30% अधिक अंकित, ज्यादा बढ़ा के अंकित मूल्य होगा, तो 30% 100 रुपए का 30% कितना होगा, 30 रुपया होगा। बढ़ा के दाम लिखा तो ये क्या हो गया, 130 रुपया हो गया। ये क्या है, एमआरपी हो गया, है ना, ये एमआरपी हो गया। और ये क्या है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और बोलता है उसपे 10% की छूट दिया। अब 130 रुपए पे छूट कितना दिया, 13 रुपया छूट दिया, तो उसने दुकानदार ने ग्राहक से कितना लिया, 117 रुपया लिया। अब 117 रुपया लिया और उसका खरीद भाव कितना था, 100 रुपया, तो नफा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 17 रुपया हुआ, मतलब 100 रुपए पे हिसाब है तो 17% हुआ। तो देखो इस तरह के मैथ को बिना एक्स लिए फटाफट किया जा सकता है, और मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, जो भी छात्र है इस चीज को जानते हैं वो ऐसे ही फटाफट करते हैं, नहीं तो दूसरे लोग ना समझ लोग एक्स लेके इसकी इतिहास बनाते हैं। आप कृपया ऐसा ना करें, आप सिंपल मेथड्स में जाएं, क्योंकि देखो यह बड़ा सारे 100 रुपया है, चलो 30% बोला है लागत मूल्य से ज्यादा है, तो अब क्या कलम लगाओगे, नहीं भैया, 100 के साथ 30 जोड़ दिया, 130, 10% की छूट है, 130 का 10% का छूट मतलब 13 रुपया, 130 से 13 रुपया घटा लिया तो 117 रुपया। अब 100 रुपया तो खरीदे भाव था, तो 100 रुपया हटा दिया उसमें से, तो 17 हुआ, तो 17% लाभ हुआ, अब टिक मार के निकल गया। तो ये जो चीज है इसको जरा करो, क्योंकि आज के डेट में एग्जाम क्वेश्चन बनाना ही आपका कोई तीर मारने वाला काम नहीं होता है, बल्कि वक्त पे क्वेश्चन को बनाना वो असल में तीर मारने वाला काम होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।